बज्जा रहो, राम राम। आप देख रहे हैं देव न्यूज और हम हैं देवेंद्र कुमार। गरौटा विधानसभा के आज हम गुड़सरा में आ गए हैं। गुड़सरा की वह मार्केट जो बहुत प्रसिद्ध है, अगल बगल सब दुकानें हैं, खावे पीवे की, क्रीमन की, सबन की दुकान है। तो इतने भी जनता खड़ी हो गई, जो जितने खड़े हैं हम, जो है पालीवाल मार्केट, जो अगल बगल खूब दुकानें होते हैं, जनता दो मिनट के अंदर खड़ी होगी। और क्यों ना आए, क्योंकि आखिरकार 2022 को जाना था इन लोगों से, किस प्रकार को समीकरण बनावो चाह रहे इतने की जनता गुड़सराय की। हमारे बीच में बहुत से लोग खड़े और साउंड चेक करके चर्चा कर रहे। भाई साहब नमस्कार। भैया नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमन गोस्वामी नाम है, तो कटरा के निवासी हम, गुड़सराय के। आप बताओ कहाँ है? 2022 चुनाव नजदीक आ गए, दो चार महीने रह गए, तो आपसे सवाल जो है कि कहाँ भाव 4.5 साल में गुड़सराय में? आप इतना ही बुंदेलखंड के हो गए? हाँ, बुंदेलखंड के, जहाँ सीखे। इतना ही छोटे से रह रहे क्या वहीं? बचपन से रह रहे। बचपन से रह रहे, हाँ। तो लाइट आइट तो आ रही होगी आपको भी, चूंकि महसूस होगी लाइट, इस सरकार में लाइट आ रही, रोडें बन चुकी हैं सरकार में, इस सरकार में गुंडे ही नहीं है, इस सरकार में अब कछु देना पहले तो बाजार में व्यापारियों की मार दी जात, तो अब कछु देना पहले फिर एक बाजार में व्यापारियों की मार दे दी जात, चूँकि पिछले सरकार में राशन नहीं मिलत तो चावल की चोरी होती। तो आज आप जैसे कहो तो किसान के लिए मोड़ा हो गयो आप हो, तो अपने पिताजी चाचा काऊ से पूछो, इस सरकार में राशन मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, और क्या बेर मिल रहा हो, एक बेर के दो बेर? लाइट पहले साजी आती कि अबे साजी आत? रोडें पहले बनी थी कि अबे बनी? ई गुड़सराय में पूरे में पानी की बड़ी समस्या आती, चूँकि पूर्व में इतने अच्छे विधायक रहे हमारे देश में कि वे 10 साल विधायक रहे, सत्ता में विधायक रहे, लेकिन पानी की व्यवस्था गुड़सराय में नहीं कर पाए। जहाँ स्थिति रही कि हमारे पूरे मोहल्ला में, पूरे गुड़सराय में एक पीवे के लाने पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इस सरकार में हमारे जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, एक जन किसान नेता हैं जवाहरलाल राजपूत, उनने ही गुड़सराय में टंकी बनवाई, नगर पालिका के सहयोग से भी टंकी बनी, और लगातार पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं। हम तो काम बता रहे हैं आपको, आपने कछु कही, हम तो शुरू से आ कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो रुक जाए। हम ये कह रहा कि काम हुआ है ना? हाँ, काम तो इतनी कहो कि हमें तक शाम तक बताने पड़े। अच्छा, हाँ, चूंकि समाजवादी की सरकार रहती, तो समाजवादी की सरकार हो सुबह में विधायक बने थे तैसे दीप नारायण सिंह यादव, 40 साल हो गए विधानसभा में, 40 साल से काऊ को पात्र नहीं है। इतने जैसी डिग्री अखिलेश यादव करें, ऐसे ही डिग्री दीपा को चंदपाल करें थे, चूंकि और काउट पात्र ही नहीं आए थे। ये हमारी विधानसभा में 40 साल से काउ को टिकट ही नहीं दो जात, इतने सिर्फ एक आदमी पात्र है चंद्रपाल सिंह और दूसरे दीप नारायण सिंह, ठीक है। फिर उनके बाद उनके मोड़ा हो गए पात्र, यशपाल इतने हो गए उनके लला मून, इतने हमारे थे कुए को भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सबने सबको मौका दो, चूंकि इन्हें नो सबरी डिग्री है जो संतन को चिलमबाज कतई, जे अब राजा भैया को गाली देते ही, जे ही सबरी डिग्री जे ही करें, चूंकि सरकार आज तो जिला पंचायत अध्यक्ष बना संजू यादव, ठीक है, और जिला अध्यक्ष बना छत्रपाल यादव, तो राज्यसभा से जाते ही चंद्रपाल सिंह बड़े नेता है हमारे क्षेत्र के, और हम सब बड़े की राम राम है, अब ICA के भी बन गए, देश को नाम रोशन करो उनने, तो उनके बाद उनके मोड़ा चूंकि विधानसभा वो ऐतिहासिक दीप नारायण सिंह हैं, और ब्लॉक प्रमुख बनने उनके सबरे भाई भतीजे, जिला पंचायत में टिकट मिलने बुगा फूफा मौसिया रिश्तेदार को, और नौकरी को सुनो तो हम काय नहीं करबो चाह रहे, बताओ ना, और नौकरी मिलती इटावा मैनपुरी में, आप बताओ न्यूज आप खोज करा दो, क्यों आज तक पूरे देश में ऐसा एक जिला बता दो जी में 30,000 नियुक्ति एक बार में दई हूँ। भैया हमें तो बहुत टॉप सरकार लगी थी समाजवादी, तो ऐसे हमारे तो मर गए, इसे इस सरकार में हमारे सुकून है, गुंडे ही नहीं है, काम हो रहा हो, विकास हो रहा हो, नहरें खोद रहे हैं, सब हो रहा हो, और लूट नहीं है, डकैती नहीं है, मारपीट नहीं है, हम तो भैया। अच्छा बताओ क्या चाह रहा है जो भैया की सुन ली अपन ने? हाँ, और एक बार क्षमा चाह रहा है, चूंकि ऐसा है सबका प्रतिनिधि, आपको इनसे नाम और पूछा जाओ सबसे, हाँ, पूरा नाम बताए सबने। हाँ, दीपक यादव हमारा नाम है, यहीं कटरा के निवासी हैं। सबसे पहले तो हमारे भाई ने जो कहा कि गुड़सराय में सड़कों की बात की, तो हमारे भाई को पता होगा कि यह गरौटा गुड़सराय के क्षेत्र की चारों सड़कें बिछी हैं। सबसे पहले तो पूंछ से लेकर मऊरानीपुर तक, और ये चिरगांव से लेकर गरौठा तक, और गुड़सराय से लेकर कोटरा तक की जो सड़कें हैं उनका दीप नारायण सिंह यादव जो पूर्व विधायक हैं उनके द्वारा, इनकी उसका सबसे पहले उसका जो बजट बना था उन्हीं के द्वारा इसका बजट बनाया गया था, और इसकी उनको नाप करवाई गई थी। और नंबर दूसरी बात इन्होंने की, सबसे पानी की सबसे बड़ी जो समस्या बता रहे हैं, तो इनको भी पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध जुझारपुरा में, जो एरा जुझारपुरा में बना हुआ है, और इनकी भारतीय जनता पार्टी इसको 5 साल हो गए हैं तो जांच के नाम पर 5 साल से रोके हुए है ना, उसकी आज 5 साल में जांच हो पाई है। हम कहते हैं कि हाँ जांच हुई, मतलब कोई गड़बड़ी हुई है,
कोई उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर जनता को पानी तो मिलना चाहिए। आप उनकी जांच करवाते उन अधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों को जेल भेजते, पर उन अधिकारियों को जेल भेजकर ताकि ये जुझारपुरा बांध का काम जो 70% हो चुका है उसका 30% हो तो पूरा हो जाता, ताकि ये क्षेत्र को जिस दिन भी वो जुझारपुरा बांध बन जाएगा इस क्षेत्र में नहरों में पानी और यहाँ वाटर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और इसकी पानी की व्यवस्था जो पूर्व विधायक दीपनारायण यादव जी की जो कह रहे हैं, तो उन्होंने आप लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए जो जीवन में शायद अच्छा भविष्य हो उसके लिए सोची थी, उसके जुझारपुरा बांध की एक रखा था, वो 70% काम हुआ गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं ज्वाला राजपूत, भारतीय जनता पार्टी 5 साल से जाँच के नाम पर उसको रोके हुए है। और जो गुंडागर्दी की हमारे भाई बात कर रहे हैं कि सपा सरकार में हमारे लोग गुंडागर्दी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी हमारे 3 महीने पहले हमारे नगर में राहुल नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ है। आज 3 महीने हो गए हैं, ना किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति का पता पड़ा है कि किस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की है, ना अभी तक वो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो मतलब जो भी हुआ, मैंने कहना चाहते कि कौन व्यक्ति है, पर अभी तक उन व्यक्तियों का ना नाम पता पड़ा है कि किन व्यक्तियों ने उस व्यक्ति हमारे भाई की हत्या की है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उसके परिवार को न्याय मिले, ताकि उस परिवार को 3 महीने भटक रहा है, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला है। उसको अभी तक ये पता नहीं पड़ा है कि हमारे लड़के की हत्या किसने की है और किस प्रकार की है। बहुत दयनीय स्थिति में हत्या हुई थी, शायद आप लोगों को भी पता होगा, अखबार और न्यूज के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी, बहुत दयनीय स्थिति में मर्डर किया गया था। अच्छा ये बताइए, अभी जो पेपर लीक भाव आपको जानकारी हुई है, खूब मोड़ी मोड़ा मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जाके बारे में क्या ख्याल है? दो चीज और, अब हमारे मित्र हैं दीपक भैया, दीपक ने कही एक बहुत बढ़िया बात कि जो रोड बनी ऐसा है अखिलेश जी जैसे ही बने, उनने कही हम पूरे प्रदेश में जो बना दें वो बना दें। अबे काशी विश्वनाथ जी को मोदी जी ने लोका बिका है, जो हमने करो तो भैया बहुत अच्छी बात है। जैसे अबे हमसे कह दो हमें चेयरमैन बना रहे, तो हम कहते बाजार में जाते नहीं कि भैया हमें चेयरमैन बनाओ तो हम पूरी रोडें टॉप करा दें, तुम्हारे मकानन पे छाप करा दें, तुम्हारे बिल्डिंगें बना दें, तुम्हें जो कर दें वो कर दें, भाव का ही नहीं है। और जहाँ रोड की जो बात कर रहे हैं, रोड भ्रष्टाचार के चक्कर में क्यों नहीं बन पाई? तुम तो सर जा कह रहे बात सुन लो करे पूरी, हम बोले तो नहीं है, अपन आराम से बोल रहे। जैसे रोड है, रोड बनी जा, रोड की के आज गूगल है, गूगल बाबा से तो तुरंत करो टुक टुक सो तुरंत पतो पड़ जाए कि की ने करो टेंडर। चाचा तो प्रतिनिधि रहे विधानसभा के, चूंकि बहुत अच्छी जानकारी होगी कि मान समाजवादी सरकार में टेंडर हुआ NKC कंपनी ने करो, हमारे चाचा जी बैठे उनके ना पूरे कर्मचारी रहते थे, टेंडर कैंसिल हुआ, गूगल से करो टाइप सो बता दें कि किस सन में और दोबारा टेंडर वो निरस्त का है। तो टेंडर जब आपकी समाजवादी सरकार इतनी अच्छी है तो आपकी 250 सीटन से आप 45 पे आ गए, आपकी 40 सांसदन से आप 4 पे आ गए, निरस्त हो गए ना। हम तो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे गलती भाई है, अगले महीना भर्ती निकलने पहले कहानी निकारी जगह रहे। प्रश्न आप पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं जनता को, जनता को पूछ, हम तो बता रहे ना, हम बता रहे ना। अच्छा अच्छा जी आ गए, सुनो एक एक करके हो जाने, एक एक करके सुनो, तो एक एक करके बताएं, एक एक, अरे सब जने आओ, एक एक करके बताएं, इनसे क्वेश्चन पूछो, आप जी बताओ, आप रुको रुको, आप समाजवादी के नेता हैं, रुक जाओ, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के, रुक जाओ, आप नेता हैं, रुक जाओ, लोग बात जुड़ रहे हैं, डिबेट करो, डिबेट करो यार, डिबेट में काम करो, तुम बात रखो ना, बात रखो ना, अरे बात रखो ना, अरे हम बोलो मऊरानी पर की है, टूट जा, हमारी सुनो, एक मिनट इनसे ये पूछो, इनसे ये पूछो, रुक जा भैया, एक मिनट, हमारी सुनो, ये है सत्ता पक्ष, जवाब देना इनकी जिम्मेवारी है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इनसे, एक मिनट, अभी भाई ने करीब 1.5 घंटे बोले, मतलब 10-15 मिनट तो बोले ही है, समाजवादी पार्टी सरकार में, तो इन्हें जो भी देंगे जवाब हम दे दें पहले, इन्हें समाजवादी पार्टी सरकार, इन्हें जो है आपने बताया अभी कि जो है ये शब्दों में कह सकते हैं गुंडागर्दी हुई, पहले नंबर पर तो ये बताएं कि इनकी बता दें हम गुंडागर्दी क्या हुई, और फिर हमारी बताएं गुंडागर्दी किस शासन में। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अभी आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव हुए, सारे मीडिया को सारे लोगों को पता है कि पंचायत चुनाव में लोग यहीं पर भी एक गुड्डी रानी पटेल थी, अंदर नहीं धस पाई, गर्भवती थी बेचारी, भागते भागते जिस तरीके से किसी तरीके से अंदर पहुंची बड़ी मुश्किल से, ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? अभी बिजौरा में एक हत्याकांड हुआ है,
गुरसराय में एक हत्याकांड हुआ है, उसकी कोई अभी तक जो है छानबीन नहीं, पता ही नहीं, एक मिनट पता नहीं चला अभी तक। दूसरी बात, आपने देखा होगा एक पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर, नाम सुना होगा आपने। इस समय पे पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी चलती है और पुलिस पूरा प्रोटेक्ट करती है। उस व्यक्ति के ऊपर एक भी धारा नहीं है, बेचारे को जो है रात शाम को घर से बाहर निकला और सुबह पता चला कि उसकी हत्या पुलिस की कस्टडी में हो गई। तो ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? दूसरा इनका सवाल था विकास के नाम पे, सड़कों के नाम पे। तो सड़कों के लिए हम बताएं कि पूंछ से लेकर के मऊरानीपुर तक की सड़क, ये खुद बता दें कि माननीय दीपनारायण सिंह यादव के समय में हुई। नंबर दो, गरौठा से लेकर के गुरसराय मऊरानीपुर की सड़क, मोती कटरा क्या नाम है, मऊरानीपुर से लेकर यहाँ से गुरसराय से लेकर के और आपके जो है कोटरा की सड़क। ये एक दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताएं, गुरसराय चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, जितने भी पुल हैं ये एक भी पुल पे बता देंगे किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी सिवाय समाजवादी पार्टी, चाहे मोती कटरा घाट का पुल हो, चाहे आपका कुछेचा घाट का पुल हो, यहीं पे बगल पे एक रामनगर ये है क्या नाम लोहिया पुल, ये करीब दसियों साल पड़ा रहा, समाजवादी पार्टी सरकार में बनाया गया। झांसी को जोड़ने वाला पुल समाजवाद, जिस पुल पे भी आप हाथ रखोगे वहाँ पे एकाध पुल को यदि अपवाद स्वरूप छोड़ दें, कांग्रेस के समय पूरा हुआ ये रचका, बाकी सारे पुल जो है समाजवादी पार्टी की सरकारों में बने, जितने भी रोड हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार। ये अपना गुंडागर्दी या विकास, ये शब्दों में विकास कह सकते हैं, लेकिन विकास एक एक पॉइंट पे इनसे विकास पे पूछा, बताओ शिक्षा के क्षेत्र में इनके विधायक ने क्या किया? माननीय दीपनारायण सिंह यहाँ पे ITI ले आए गरौठा में, नंबर एक। आप जाओ खड़ौरा में एक GIC इंटर कॉलेज है, नंबर तीन मॉडल स्कूल कुरेठा, नंबर चाल चले जाओ भुजौन। विधायक चाहिए गरौठा को और चमकावे को, काम करे और जिला बने, हम तो चाहते थे जिला बने गुरसराय, वो जो इतनी आबादी हो गई कहाँ है आपको काम हो चाहिए। अब परेशान आदमी, खाद नहीं मिल रहा, एक हम किसान हैं और पानी की समस्या है, गंजन की समस्या है, खेत पे से आ रहे हैं। तो समाजवादी सरकार में जो काम भए थे बहुत अच्छे काम भए थे और हम समाजवादी सरकार आए आगे। दीपनारायण सिंह भाजी आप बताओ, आप व्यापारी हो? हाँ व्यापारी। आप बताओ कहाँ है बाजार में बैठा था आप? लोग बागार सामान लेवर चर्चा होती है कि अशो विधायक बन जाए या सरकार बन जाए, साढ़े चार साल की बताओ आप किस प्रकार हुई? तो साढ़े चार साल में जो विकास की उम्मीद थी वो विकास नहीं हुआ। चाचा कह रहा है व्यापारी है, कह रहा है साढ़े चार साल में कोई विकास नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ जो आखिरकार? नहीं, जो उम्मीद थी, उम्मीद थी हाँ, अच्छा। हमारे क्षेत्र में विकास होगा हाँ। लेकिन वो नहीं हुआ।